देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है, कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं। ये ऐसा नहीं है कि स्कूल के अंदर ये मैंने किसी बुक में से लिया और स्कूल के अंदर आएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट है सिर्फ सिर्फ समझना और बात खत्म। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि अगर ए और बी दो पॉइंट हैं, ए पे प्रेशर ज़्यादा होगा, बी पे प्रेशर कम होगा, और प्रेशर का डिफरेंस क्या होगा ए और बी का? एच रो जी। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, बी पे बी टॉप सरफेस का पॉइंट है और यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? पी एटमोसफेयर। और ए पॉइंट नीचे है तो ए पॉइंट का प्रेशर बी पॉइंट के प्रेशर से ज़्यादा होगा बाय अ डिफरेंस ऑफ कितना? एच रो जी। तो बी पॉइंट का प्रेशर है कितना? पी एटमोसफेयर। तो जब ये राइट साइड पे जाएगा तो ए पॉइंट का प्रेशर क्या होगा? पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी। ये तो करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ओरली मैंने एक ही स्टेप में सिखा रखा है कि ए पॉइंट का प्रेशर क्या होगा? पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी। ठीक। इसके बाद टेढ़ा मेढ़ा पैराडॉक्स की अगली प्रॉब्लम यही है, टेढ़ा मेढ़ा जैसे मर्जी वैसे लो। तो अगर हाइट एच रहेगी लिक्विड की तो नीचे ए बी सी डी पॉइंट का प्रेशर विल रिमेन सेम, और कितना? एच रो जी। ये नेक्स्ट इसका पॉइंट है, एच रो जी प्लस पी एटमोस्फेरिक, सॉरी, क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर भी है। नेक्स्ट सेम पैराडॉक्स की प्रॉब्लम है कि यहां पर मान लो एक्स पॉइंट है, यहां प्रेशर निकालना है। एक्स पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो सिर्फ टॉप की सरफेस ऑफ लिक्विड और जो वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस यहां से एच है, तो एक्स पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी, क्योंकि जो ग्रेविटी है उसकी फोर्स कंजर्वेटिव होती है। तो आपने सिर्फ वर्टिकल हाइट देखनी है, चाहे टेढ़ा मेढ़ा उसका पाथ हो, चाहे कुछ भी हो, वर्टिकल जो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट है उसमें जो हाइट अगर एच है तो आंसर पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी ही रहेगा। अगर मान लो ये तीन पॉइंट्स हैं एक्स वाई जेड, सरफेस से एच डिस्टेंस नीचे है, तो तीनों का प्रेशर विल रिमेन सेम रहेगा। फिर से सेम पॉइंट कि अगर मान लो ए बी सी तीन पॉइंट्स हैं तो ये हाइट है यहां से लेके यहां तक वर्टिकल हाइट अगर एच है, यहां से यहां भी वर्टिकल हाइट एच है, यहां से यहां की वर्टिकल हाइट भी एच है, तो ए बी सी का प्रेशर तीनों पॉइंट्स पर क्या रहेगा? एग्जैक्टली सेम। नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे अगर ना पता हो तो। ठीक। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें ये बता रखा है कि सपोज करो आपके पास ये लिक्विड नहीं है, प्लीज दिस इज नॉट लिक्विड, ये लिक्विड नहीं है आपके पास, कि सी पॉइंट है जो हवा में पॉइंट है। यहां पर दो किस्म के लिक्विड है, एक लिक्विड थोड़ा डेंस लिक्विड है, ये रहा भारी लिक्विड है यहां से यहां तक, और एक जो दूसरा लिक्विड है वो थोड़ा हल्का लिक्विड है, ये रहा ये हल्का लिक्विड है, एक भारी लिक्विड एक हल्का, जैसे एक ऑयल लो ठीक है और एक पेट्रोल ले लो, ऑयल बहुत भारी है पेट्रोल हल्का है, तो ऑयल जो है वो नीचे दबेगा और पेट्रोल को ऊपर उठा देगा, तो ये पेट्रोल है ये ऑयल है। अगर ये एक किस्म का लिक्विड होता, एक डेंसिटी होती, तो दोनों में हाइट क्या रहती? दोनों तरफ सेम रहती, राइट, क्लियर है, और यानी इक्वल है। तो सी पॉइंट तो हवा में ही है, तो सी पॉइंट का जो प्रेशर है वो क्या आएगा? सी पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो पी एटमोस्फेरिक आएगा, बात खत्म। ये थ्योरी मैं देख नहीं रहा हूं, प्लीज अपनी बना रहा हूं, तो आप अपनी लिख लेना। तो सी पॉइंट का प्रेशर क्या होगा? पी एटमोस्फेरिक, ठीक हो गया। अगर मैं कहूं डी पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, तो डी पॉइंट का प्रेशर विल बी इक्वल टू पी एटमोस्फेरिक प्लस, ये हाइट कितनी है? एच, एच इंटू डेंसिटी इंटू जी। एक बात बताओ, डी पॉइंट का प्रेशर बढ़ा है कि सी पॉइंट का प्रेशर बढ़ा है? डी का बढ़ा है, क्योंकि दोनों में एटमोस्फेरिक है और ये ज्यादा बढ़ा है, तो डी पॉइंट का प्रेशर इज ग्रेटर देन सी पॉइंट का प्रेशर। मतलब इसमें कोई याद करने वाला रिजल्ट कुछ नहीं है, बस किसी भी पॉइंट का अगर प्रेशर निकालना है तो आपने पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी कर देना है, बात खत्म। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये थ्योरी कुछ नहीं है, इसमें याद भी कुछ नहीं करना, बस तरीका बता रहा हूं कि हाउ टू कैलकुलेट प्रेशर एट एनी पॉइंट, बस आपने कुछ नहीं करना, एटमोस्फेरिक प्रेशर प्रेशर प्लस एच रो जी ऐड कर देना है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इसमें,